देखो ये देखो ओ माय गॉड देखो ये ओ बधाई हो भाई बधाई हो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार केमन सबाई। दिन की शुरुआत हुई बहुत अच्छी। हमरा नहा धो के हो गए हैं रेडी क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ। सुबह से ही पार्लर में कस्टमर थे, मैं काम कर रही थी तो मैं फाइनली नहा चुकी हूँ। और मैं देती हूँ डॉक्टर साहब को थोड़ी सी चाय। और फाइनली मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा उठ गया था, आज जल्दी उठ के वो गया था घूमने कहीं और वहां से अभी आया। आने के बाद बोल रहा मम्मी मुझे नाश्ता दे दो जल्दी क्योंकि उसने रात को खाना नहीं खाया था। तो मैंने सब्जी तैयार कर दी है, मुझे सिर्फ बनाने हैं पराठे क्योंकि कोई आ गया था नीचे तो मैं मिलने आई थी उससे। और तो चलते हैं, उसको देते हैं नाश्ता पहले। और गाइज मुझे एक बात बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ रक्षाबंधन को लेकर। सब कह रहे हैं कि कोई 30 को है या 31 को है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब करना है। तो आप लोग जिनको भी जानकारी हो रक्षाबंधन के बारे में तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि करना किस दिन है, 30 को करना है या 31 को करना है। फाइनली प्लीज मुझे बता दीजिएगा जरूर। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब को थोड़ी सी चाय देके मैं अपने बेटे को देती हूँ पहले नाश्ता। तो मैं पहुंची हूँ किचन में, मैं फटाफट बनाती हूँ खाना। और मैंने जैसे आपको बताया कि आज बना रही हूँ मैं बंगाली डिश कोचुडागो, और उसे कहते हैं अरबी की डंडी। तो हम चलो फटाफट बनाते हैं, काफी टाइम हो गया। मेरी रोटी बन चुकी है और मेरा बेटा सो गया है तो उसको उठाते हैं कि बेटा नाश्ता कर लो। अरे बेटे कैसे सोता है तकिया मुंह पे लेके? ये तो लाश है। है लाश है? कौन बोलता है लाश है? लाश है। अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे सांस चली। तो उठ रहा, वो उठ रहा है, हम लगाते हैं उसके लिए थाली। चलिए देवेश। हाँ भाई। आ गया स्कूल से? ना भी रास्ते में आ रहा मस्त जोक मारा। सामने तो आओ, फेस तो दिखाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे ब्लॉग पे कब्जा। चैनल तो मेरा ही है। ये सब चल बना है खाने। चैनल तो मेरा ही। एक टू चल बना। चैनल तो मेरा ही है। हाँ मैं बोले दीदी चल बना एक टू। दीदी आ रही है अभी, उन्होंने फोन किया था। वो कह रही कि मैं राखी लेके आ रही हूँ, मैं दो दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कह रहे थे कि दोनों भाई लोग हैं घर में, मैंने कहा हाँ है घर में। चंदन को लेके यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कह रहा 30 को है, कोई कह रहा 31 को है। तो गाइस हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, जैसे कि हमारी ननद आने वाली है तो हमें पता चला वो आज आ रही है क्योंकि कहीं वो जा रही है तो हम फटाफट उनके लिए जा रहे हैं गिफ्ट लेने। और वो पहुंचने वाली है, सामने मजा नहीं आएगा। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है और हम फटाफट जाते हैं घर क्योंकि हमारे गेस्ट आ गए। डब्बे में डाल के दे देना। आओ जी साहब, आओ जी। जय राम जी। अरे भैया ये कौन है भाई? हैं? ये बदमाश कौन आ गया हमारे घर? तो गेटे भी कुछ और है भाई, तो गेटे भी कुछ और आ रहा है। कहाँ जा रहा तुझे? बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। मेरे को शांति राखी पूरी है। कितने दिन बाद आए हो? तो ये हमने सबूत रखा है, यहाँ आती जरूर है मेरी नंद। इधर से भी आती नंदों के सबूत ज्यादा रखना चाहिए। नानी का वीडियो निकाल फटाफट यूट्यूब में। अब इसको खोलो, देखो देखो देखो, स्टार्ट करो, जो अच्छा लगेगा आपको देखो। दिखाओ कौन सी अच्छी लग रही है। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करके हाथ में लो ऐसे। अच्छा ये वाली नानी अच्छी लगी? अच्छी लग रही है। हाँ तो लाइक कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे नहीं, मैं जब सामने हूँ तो मुझे सामने से लाइक करना है यहाँ पे, जल्दी से। हाँ ऐसे लाइक कर। कह रहा मैं मॉल से। अच्छा ये कहाँ से लाया कपड़ा? कपड़े कहाँ से लाया आप? कौन दिला के लाया? आरती मम्मा। आरती मम्मा दिला के लाई? आपको पसंद आया कपड़ा? मजा आ गया। और आपको पता है इनका कपड़ा बिल्कुल नया है, मैंने चिट निकाला है अभी।
ये देखो फ्रेंड हुए, ठीक है, ओके। कौन है कौन है कौन है? मेरी नानी है चैनल पे। अच्छा तेरी नानी है, आप रोज देखना नानी को, ठीक है। को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। बोलो जरूर करना, जरूर करना है ना। देते हुए कोई उपकार होगा क्या? बहनों के लिए कोई उपकार थोड़ी है, अगर भाई दे रहे तो ये प्यार है यार। भाई के पास जितना दे रहा है पूरा बिल्कुल आशीर्वाद पहले बना रहा है। देख क्या क्या चीजें पसंद कर, देखो तो सही, पहले सामने खोलो क्या लाए हैं। पहली बार भाई ने गिफ्ट दिया तो देखूंगी नहीं। होनी चाहिए बंगाली साड़ी। बंगाली साड़ी पहनोगे? तो कोई नहीं, बंगाली साड़ी दे देंगे। ये साड़ी है, इसमें पेटीकोट भी है, ठीक है, मैचिंग। कलर सही है, दूसरा दे दे कोई कलर है तो। भाभियों से खुश रहा करो, भाइयों का क्या है। अरे भाई से तो भाभी है। बात तो सही है। भाई भाभी को भाई नहीं देगा तो कैसे उसकी वो होगी? क्यों पर जमाना बदल रहा है कुछ आजकल ज्यादा? नहीं क्या जमाना बदल रहा है भाई? कुछ जमाना बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी है तो भाई है। और क्या, भाभी है तो भाई है। भाभी हो भाइयों की लाइन लगा देंगे हम। ओके अभी निकल जाओ तुरंत, बाय, फिर आना, ठीक है। आरती को बोलना आ जाएगी घूमने के लिए। सो फाइनली हमारे गेस्ट चले गए हैं। चाय के लिए आपको पता है मैं 4-5 बार पार्लर से निकले हैं। बाबा कस्टमर आ जा रहे थे, मैं से निकल रही हूँ, मैं गेट से निकल रही हूँ, उस गेट से घुस रही है। भाभी जी कहाँ जा रहे हो? और मुझे निकलने नहीं दिया बिल्कुल भी। मैं इस गेट से निकल रही हूँ, उस गेट से घुस रही है। पागल हो गया हम? पागल नहीं है भैया हमारा। सुनो हमारा है काम का टाइम, आप फ्री हो मैं फ्री नहीं हूँ। अच्छा मेरी जो कस्टमर है ना वो सारी मेरे झोटे उखाड़ देगी। वैसे अगर एक घंटे के लिए भी कहीं चले जाओ पार्लर, अगर उन्होंने सेट डाउन दे दिया वो पागल हो जाती है। और वैसे ये सीजन का टाइम रक्षाबंधन, आप क्या सोचते हो भाई? महिलाओं का मेन होता है थ्रेडिंग बनाना। और सुनो सुनो फाइनल बात ये है कि मेरे चूहों ने 4-5 कपड़े काट दिए हैं, मुझे कपड़े लाने हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो सच्ची, ये देखो, ओह माय गॉड, बधाई हो भाई, अभी सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, फिर बन के होंगे, बन के से 1,00,000 के पास से बनेंगे। ठीक है समरिया, बोल दो सबको, फिर बोल दो सबको ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम 1,000 अकाउंट बनाओ, उससे सब्सक्राइब कर दो। समझ गया, चेक दिस आउट गाइस, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आप लोग रक्षाबंधन कब कर रहे हो? हम तो 31 को। 31 को? अरे भाई लोगों ने इतना परेशान कर दिया, कोई कह रहा 30 में, कोई कह रहा 31 में, मतलब कह रहे ना जैसे 30 को जो है वो 9 बजे के बाद से आप कर सकते हो। पर एक बात बताओ ना, हम तो भाई व्रत रख के तब राखी बांधते हैं, अब फिर खाएंगे पियेंगे और 10 बजे कौन राखी बांधता है? फिर अच्छा नहीं लगता ना, कुहार में सारा खिचड़ी सा पक जाता है। तो हम 31 को ही मनाएंगे है ना। बेटे यार बहुत थक गई हूँ, कुछ खाने पीने का लिया ला तो रखे हैं, खाओ वो भोरी चोखा। ओहो कैमरा जो, अरे बाप रे बाप, यार अपना तुम्हारे बोला बोला। क्या हाल है? बढ़िया भी है। और राम जिला की तरफ सब सही है? हाँ सब सही है। पहले बताओ यार रक्षाबंधन कब कर रहे हो? अरे कोई कर 31 तारीख को पूरे दिन का है, कोई कर सुबह 7 बजे तक करते हैं, हम फाइनली सब कुछ कर रहे हैं। चलो बैठो यार, कुछ नए गर्मा गर्म भोरी चोखा खा लो, खाओ ना यार मिलके खाएंगे एक एक पीस, बैठो। तू तो वापस नहीं आ रही है,
अच्छा, तो मधुर ऐसे कम नहीं होगा भैया, हमारे ऋषिकेश में एक से एक आइटम बनता है। यार मरना है कि ना, खाके मरो ना, चीजें चीजें लिट्टी चोखा गाठी बिना खाके। तो फाइनली गाइस, अभी सारे ग्राहक गए हैं और रात के बज गए हैं 10:15। तो अभी शायद कोई नहीं आएगा कस्टमर, तो हम पार्लर को करते हैं बंद और चलते हैं, नहाते धोते हैं, जरा कपड़ों को चेंज करते हैं। पूरा दिन गर्मी से भी काफी हालत खराब हो गई और पार्लर में जो कचाखच भीड़ थी महिलाओं की। और यू क्या कर रही है हमारी बिटिया? मैं राखी बना रही सबको, क्योंकि राखी कंपटीशन है। मैम ने बोला है कि एक घर से बना के लानी है और एक स्कूल में बनानी है। अच्छा, घर से बनाऊंगी और स्कूल में बनाऊंगी। तो जब आप राखी बना लोगे ना, तो दिखाना कि ऐसा बनाया आपने, ठीक है ना? कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा फिर राखी। और ये सब लेके आए आप, इन सारी चीजों से बनेगी राखी? हाँ। अच्छा अच्छा, तैयारी चल रही है, प्यारी प्यारी सी राखी बना रही है बहने अपने भाइयों के लिए। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं, टेस्ट का याद कर रही हूं। अच्छा, टेस्ट है और बाकी काम सब हो गया? हाँ। कैसे चल रही पढ़ाई, कैसे चल रही है? मस्त। ठीक है, और चलो अच्छे से पढ़ाई करो, आप टेस्ट है ना आपका, तो ढंग से पढ़ाई कर लो। सो गाइस, अभी मम्मी राखी मेहंदी लगवा रही है राखी के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इससे पता चलेगा अपना भाई कितना प्यार करता है। अच्छा, हमने तो ऐसा नहीं सुना था, हमने तो ये सुना था कि अगर मेहंदी का कलर अच्छा होता है तो जिसका हस्बैंड ज्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा होता है। भाई के लिए भी कुछ होता है ऐसे? मेरे को क्या पता, मेरी दोस्त बता रही होगी। हाँ, ऐसा होता होगा कि रक्षाबंधन में भाई के लिए होता होगा कि जिसकी अच्छी मेहंदी रचती हो भाई उतना प्यार करता है ना, ऐसा होता होगा। चलो इस चीज को भी हम आजमाते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये दीदी की डिजाइन कमेंट में बताना है, मेहंदी की डिजाइन कैसे रहेगी। सो फाइनली गाइस, मैं हुई हूँ अभी फ्री और आपको पता है रात के बज रहे हैं 12:15 और मैं अभी निपटी क्या हूँ, सिर्फ मेहंदी लगा के। जैसे कि आपको पता है मैं पार्लर से आई 10:30 बजे आई, घर में सारा काम फैला हुआ था, उसे निपटाया फटाफट। हस्बैंड ने खाना खा चुके थे, फिर मैंने बच्चों को दिया, मैंने खाया पूरा किचन के साफ सफाई करने के बाद मैं फ्री होके थोड़ी सी लगाई मेहंदी। और ऐसा नहीं कि खाना खाने में, तो और अदर बहुत काम होते हैं घर में जो फैला हुआ होता है। और पार्लर में भी बहुत अच्छा दिन गुजरा, काफ़ी चहल पहल थी हमारी फ्रेंडों की, ग्राहकों की, हमने खूब मौज मस्ती में किया, अच्छा लगा। वीडियो में देख सकते हैं कि हमने कितनी मस्तियां करी है। तो गाइस, रात बहुत हो चुकी है, इसी पे हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज आप देख सकें। आप तो पोस्ट जाए कि हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।